हेलो स्टूडेंट्स, आई एम रेखा यादव। स्टूडेंट्स, हमारा फिफ्थ चैप्टर सब्सट्रैक्शन जो चल रहा है कंटिन्यू, हम पिछले वीडियो से कंटिन्यू कर रहे हैं इसको। इसमें हमारा 38 पेज नंबर पर हमें ज़ीरो दिया हुआ है, हेडिंग है हमारी ज़ीरो, तो हमें इसमें ज़ीरो को समझना है। फर्स्ट हमें दिया हुआ है, पिक्चर्स बनी हुई हैं आपकी बुक में, कुछ फ्रॉक्स हैं, मेंढक हैं जो कि एक लॉग पर बैठे हुए हैं, मीन्स लकड़ी पर बैठे हुए हैं एक पूल में। तो उन्हें कैसे सब्ट्रैक्ट करना है, जीरो कैसे फॉर्म की जाएगी अगर वो तीनों के तीनों उसमें पूल में चले जाती हैं, तो उस लॉग पर कुछ भी नहीं बचेगा, मीन्स जीरो रहेगा। तो ऐसा ही हमें ये इसमें दिया गया है। थ्री फ्रॉक्स स्टे ऑन आ लॉग, तो तीन फ्रॉक हैं, एक कितने फ्रॉक्स हैं, थ्री फ्रॉक्स स्टे ऑन अ लॉग। तो एक लकड़ी पर है, कितने थ्री मेंढक्स हैं। अ जंप इनटू अ पूल, एक जंप कर देता है पूल में चला जाता है। टू फ्रॉक्स लेफ्ट ऑन द लॉग, तो अब कितने फ्रॉक्स उस पर लॉग पर बचे हुए हैं, टू बचे हुए हैं ओनली, क्योंकि थ्री है, वन उसमें पूल में चला गया है, तो अब कितने बचे हैं, टू। देन उसके बाद क्या दिया है, टू फ्रॉक्स ऑन द लॉग्स। अब क्या हो गया है कि एक और जो मेंढक है वो पूल में चला गया है। वन जम्प्स इनटू द पूल, एक और जंप कर देता है पूल में। वन फ्रॉग लेफ्ट ऑन द लॉग, अब यहाँ पर केवल कितने बचे हुए हैं, ओनली वन बचा हुआ है, एक मेंढक बचा हुआ है। वन फ्रॉग ऑन द लॉग, एट जंप इनटू द पूल, वन फ्रॉग लेफ्ट ऑन द लॉग। तो यहाँ से भी जो वन बचा हुआ है उसने भी जंप कर दिया, तो अब जो हमारी फ्रॉग है वहाँ पर क्या बचा, कुछ नहीं, मीन्स जीरो। तो यहाँ पर दिया गया है जीरो स्टैंड फॉर नॉन, तो जीरो किस लिए लिखा जाता है, स्टैंड फॉर नॉन, कुछ भी नहीं होता है तब हम क्या लिखते हैं, जीरो लिख देते हैं। जीरो काउंट्स नथिंग, और जीरो का काउंट्स क्या होता है, नथिंग मीन्स कुछ भी नहीं, ठीक। तो यहाँ पर हमें एग्जाम्पल दिया हुआ था जीरो की, जीरो को समझने के लिए। नेक्स्ट हमें क्या दिया है, एडिंग जीरो, हमें एडिंग करनी है, एडिशन दिए हुए हैं। ये पिक्चर बनी हुई है, टू प्लेट्स हैं, उसमें वन प्लेट में क्या बन रहा है, उसमें टू बिस्किट है, जीरो बिस्किट है, मीन्स नथिंग। तो हमें क्या फाउंड हुआ, हमारा सम क्या निकलेगा, आंसर क्या होगा, जब हम टू बिस्किट एंड जीरो बिस्किट को ऐड करेंगे तो हमारा सम क्या निकलेगा, एज इट इज, मीन्स जो हमारा फर्स्ट वाली प्लेट में जो है वही का वही रहेगा, क्योंकि जीरो मीन्स नथिंग, यहाँ पर जीरो है, कुछ भी नहीं है, इसलिए हम यहाँ पर टू के टू बिस्किट नोट कर देंगे।
मीन्स इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 + 0 = 2। तो जो हमारा फर्स्ट नंबर है वही का वही हम वहाँ पर लिख देंगे, क्योंकि जीरो का मीनिंग क्या होता है, जीरो काउंट्स नथिंग, मीन्स जीरो को किसी कुछ भी नहीं हो उसके लिए हम काम करते हैं, जीरो का मीनिंग कुछ नहीं निकलता है। तो हमें जीरो अगर प्लस करना है तो हमारा आंसर वही का वही आ जाएगा, तो हमारा 2 आंसर हो जाएगा। ये आप अच्छे से समझ लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा सेम इसी टाइप से दिया हुआ है। फर्स्ट जो प्लेट है बाउल है उसमें कुछ भी नहीं है, मीन्स जीरो बिस्किट है। यहाँ पर हमें 4 बिस्किट्स दिए हुए हैं, 1 2 3 4 4 बिस्किट हैं। तो इसको ऐड करेंगे और वन स्टेप और है उसमें, 0 + 4 + 1 बाउल और है उसमें भी 4 बिस्किट हैं। तो यहाँ पर हमारा रिजल्ट क्या आएगा, आंसर क्या आएगा, 4 + 4 = 8 हो जाएगा और 0 ऐड करेंगे, 0 मीन्स नथिंग, तो 4 + 4 = 8 हमारा आंसर हो जाएगा, 8 बिस्किट हो जाएंगे टोटल। और अगर हम 4 + 0 ऐड करते हैं तो हमारा क्या आ जाएगा, 4 बिस्किट। तो यहाँ पर हम क्लियरली समझ चुके हैं कि जीरो काउंट्स नथिंग, जीरो किस लिए काउंट किया जाता है, जब कुछ भी नहीं होता है तब कुछ भी नहीं बचता है उसके लिए हम जीरो काउंट करते हैं। अगर इस प्लेट के हम जो बिस्किट हैं वो सारे के सारे खा जाते हैं तो यहाँ पर भी हमें 0 काउंट कर सकते हैं, 0 + 0 = 0 मीन्स कुछ भी नहीं बचा है। ठीक है, तो ये आपका 0 का दिया हुआ है कॉन्सेप्ट। तो यहाँ पर हमें जब भी हम 0 प्लस करेंगे, नंबर प्लस जीरो इक्वल टू सेम नंबर, तो जब हम किसी भी नंबर में 0 ऐड करेंगे या माइनस करेंगे, एडिशन करें या सब्स्ट्रैक्शन, तो हमारा जो सेम नंबर है वही का वही रहेगा एज इट इज। तो आप ये नोट कर लेंगे, आपको आपकी बुक में दिया हुआ है। नेक्स्ट है, हमें एडिंग दी हुई है, कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं वो हम सॉल्व करेंगे। तो ये हमें कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं, 1 + 0, तो हमें क्या करना है, जब भी हम 0 के साथ ऐड करते हैं तो हमारा सेम जो फर्स्ट नंबर है या जो भी जिसमें भी ऐड कर रहे हैं वही सेम नंबर आएगा, नंबर प्लस 0 = सेम नंबर। तो ये हमारा 1 आंसर हो जाएगा, 0 + 2 तो यहाँ पर 2 हो जाएगा सेम नंबर। नेक्स्ट है 3 + 0, तो यहाँ भी हम 0 काउंट क्या करते हैं, नथिंग, तो इसमें ऐड करेंगे तो हमारा सम क्या निकलेगा, आंसर क्या होगा, 3 सेम नंबर। नंबर प्लस 0 या 0 + नंबर कुछ भी करेंगे तो हमारा जो नंबर है वो सेम नंबर एज इट इज हम नोट कर लेंगे। यहाँ पर 4 + 0 है तो आप 4 नोट कर लेंगे, 0 + 4 है तो यहाँ पर भी हमारा आंसर 4 हो जाएगा, 5 + 0 है तो यहाँ भी 5 हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 6 + 0,
तो यहाँ पर 6 हमारा आंसर हो जाएगा, 7 प्लस 0 7 आंसर हो जाएगा, 0 प्लस 8 तो 8 आंसर निकलेगा, नेक्स्ट है 9 प्लस 0 तो हमारा आंसर 9 हो जाएगा, 8 प्लस 0 8 आंसर हो जाएगा, और 2 प्लस 0 आंसर 2 होगा। ठीक है, तो हमें जो भी नंबर्स दिए हुए हैं, जो भी नंबर रहेंगे, तो हमारा 0 प्लस नंबर या नंबर प्लस 0 अगर हम ऐड करें या माइनस करें, सब्स्ट्रैक्ट करें, तो हमारा वही का वही जो नंबर दिया हुआ है उसे हम एज इट इज नोट कर लेंगे। आप सभी को ये क्वेश्चंस करने हैं, आप नोट कर लेंगे। नेक्स्ट है सब्ट्रैक्ट 0, तो हमें यहाँ पर 0 को माइनस करना सीखना है। तो हमें फर्स्ट एग्जांपल दे रखा है, ये हमारा पेज नंबर 39 पर है। अभी हमने 38 सॉल्व किया था, अब हम 39 सॉल्व करेंगे। तो 39 पेज नंबर पर हमें पिक्चर्स बनी हुई हैं। फर्स्ट ये आपको पिक्चर्स दिख रही होंगी, तो इसमें वन जो वाउल है उसमें कितनी फिशेस हैं, 3 फिशेस हैं, ये 3 फिशेस दी हुई हैं। सेकंड में हमारे 3-1 मीन्स हमने एक फिश को बाहर कर दिया है, तो 3-1 करेंगे तो हमारे कितनी फिशेस बचेंगे, 2 बचेंगे। और यहाँ पर हमें कुछ भी नहीं निकाला है, यहाँ पर 3-0 है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 3। जो सेम नंबर हमारा नंबर प्लस 0 करते हैं तो हमारा सेम नंबर आंसर होता है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट देखेंगे, ये तो हमें एग्जांपल दिया हुआ है कि नंबर -0 सेम नंबर, यहाँ पर भी जैसे हम एडिशन कर रहे थे कि 0 प्लस नंबर तो आंसर था सेम नंबर, यहाँ पर हम जो भी नंबर माइनस करेंगे या फिर प्लस 0 जिसमें से भी माइनस करेंगे तो हमारा सेम नंबर आंसर होगा। नेक्स्ट है फिलिंग्स दी हुई हैं हमें, वो कंप्लीट करनी है। 1-0 तो हमारा क्या आ जाएगा, आंसर क्या होगा, सेम नंबर मींस 1, ये हमारा आंसर हो जाएगा। जब भी हम किसी नंबर से 0 माइनस करेंगे, क्योंकि 0 मींस क्या होता है, नथिंग, 0 काउंट्स नथिंग, 0 स्टैंड फॉर नॉन, किसी के लिए भी 0 यूज किया जाता है, मतलब कुछ भी नहीं हो वहाँ पर हम 0 लिख देते हैं। तो 1-0 हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 1। नेक्स्ट है 4-0, यहाँ पर भी हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सेम नंबर मीन्स 4 हमारा आंसर हो जाएगा। 6-0 तो यहाँ पर आंसर क्या होगा, 6। नेक्स्ट है 9-0 तो यहाँ पर आंसर होगा 9। नेक्स्ट है 2-0 तो सेम नंबर आंसर हो जाएगा, हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 2। नेक्स्ट है 5-0 आंसर होगा 5। 7-0 तो आंसर क्या होगा, 7। जो भी नंबर है हम वही का वही नोट कर देंगे। 3-0 आंसर हुआ 3। नेक्स्ट है 0-0 तो यहाँ पर क्या होगा, 0 और 0 दोनों को आपस में डिफरेंस निकालेंगे 0 और 0 का, तो आंसर क्या होगा, 0। 0 काउंट्स नथिंग, तो यहाँ पर हम आंसर भी 0 लिख देंगे। नेक्स्ट है 8-0 इसका आंसर हो जाएगा हमारा, जो भी नंबर निकला है हमारा, इसमें जो भी नंबर दिया हुआ है वो हमारा आंसर हो जाएगा, ये हमारा आंसर होगा। यहाँ पर 0-0 दे रखा है, मीन्स हमें 0 और 0 का डिफरेंस निकालना है, तो मीन्स हमारा आंसर क्या निकलेगा, 0 ही निकलेगा। तो यहाँ पर आप 0 नोट कर देंगे, ये फिलिंग्स फिल कर लेंगे आप सभी। नेक्स्ट कुछ क्वेश्चन हमें दिए हुए हैं,
इसमें हमें साइन अप करना है फिल प्लस और माइनस, तो हमें साइन जो हमारे प्लस और माइनस के लिए क्वेश्चंस दिए हुए हैं उनके सॉल्यूशन भी करके दे रखे हैं, हमें साइन अप करना है कि कौन सा माइनस किया गया है कौन सा प्लस किया गया है, तो हमें साइन अप करना है। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा 8 माइनस 4, तभी तो हमारा 4 आएगा, जब हम 8 प्लस 4 करेंगे तो हमारा 12 हो जाएगा, मीन्स बड़ी संख्या आएगी, तो यहाँ पर हमें क्या कर देना है माइनस का साइन अप कर देना है, माइनस कर देंगे। अगर यहाँ पर 12 होता तो यहाँ पर हमारा प्लस का जो साइन होता वो कर देते, यहाँ पर सेकंड हमें 4 और 4 दिया हुआ है और आंसर हमारा क्या है 8, तो यहाँ पर हमारा प्लस हुआ है इसलिए हमारा आंसर ज़्यादा है, मीन्स 4 प्लस 4 हमारा 8 होता है, तो यहाँ पर हमारा साइन क्या हो जाएगा प्लस, यहाँ पर हमारा माइनस हुआ था। नेक्स्ट है 0 और यहाँ पर हमें साइन करना है फिल करना है 9 इक्वल टू 9, तो यहाँ पर हम क्या फिल कर दें 0 प्लस 9, यहाँ पर 0 माइनस 9 क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि अगर हम 0 से माइनस करते हैं कोई भी नंबर को तो हमारा नंबर माइनस में चला जाता है, यहाँ पर -9 दिया होता तो हम माइनस का यहाँ पर साइन कर देते, बट यहाँ पर हमें -9 नहीं दिया है 9 दिया है इसलिए हमने प्लस का साइन नोट किया है, तो आप सभी फिल कर लेंगे ये। नेक्स्ट है 9 और 7 इक्वल टू 2, तो हमें यहाँ पर 9 दिया है और 7 दिया है और आंसर हमारा 2 निकल रहा है, मीन्स यहाँ पर जो नंबर है वो कैसा है स्मॉल है छोटा है, तो यहाँ पर हम माइनस कर देंगे, जब 9 में से 7 माइनस करते हैं तो हमारा आंसर 2 निकलता है। आप सभी माइनस भी कर देख सकते हैं, पहले आप 9 लाइंस करेंगे फिर उसमें से 7 कट कर देंगे तो हमारी 2 बचेंगी, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, इसलिए यहाँ पर हमने साइन क्या कर दिया है माइनस। नेक्स्ट है 8 और 6 को हम माइनस करें या प्लस करें जिससे कि हमारा आंसर क्या निकले 2, तो जब 2 निकालेंगे 6 में 8 में से जब 6 माइनस कर देंगे तो हमारा आंसर क्या होगा 2 होगा, इसलिए हमें माइनस का जो मार्क है वो कर देना है साइन अप कर देना है। नेक्स्ट है 9 और 3 का हम माइनस करें या प्लस करें जिससे कि आंसर हमारा 6 निकले, तो जब भी हम स्मॉल नंबर देखते हैं तो फर्स्ट नंबर हमारा बड़ा है बिग है और ये स्मॉल है आंसर, इसलिए इसमें से माइनस हुआ है, यहाँ पर हम माइनस कर देंगे, जब भी हम 9 से 3 माइनस करते हैं तो हमारा आंसर 6 निकलता है। आप इसे कर भी देख सकते हैं, हम फर्स्ट एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9, अब इसमें से कितनी कट कर देनी है 3 कट कर देंगे तो हमारी टोटल 6 बचेंगी 1 2 3 4 5 6, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, मीन्स यहाँ पर हमें क्या करना है माइनस का साइन अप कर देना है। नेक्स्ट है 4 4 को हम प्लस करें या माइनस करें आंसर हमारा 8 हो, तो हमें यहाँ पर 4 4 को प्लस करते हैं तब हमारा 8 निकलता है आंसर, तो यहाँ पर प्लस आप साइन कर देंगे। नेक्स्ट है 2 और 5 को हम प्लस करें या माइनस करें जिससे कि हमारा आंसर क्या निकले 7, तो यहाँ पर 7 हमारी बड़ी डिजिट है तो यहाँ पर प्लस हुआ है, मीन्स 2 और 5 को प्लस करते हैं तो हमारा 7 निकलता है 6 7 5 से 6 7, तो ये हमारा आंसर हुआ है। नेक्स्ट है 5 प्लस 2, यहाँ पर 5 प्लस 2, वहाँ हमने 2 प्लस 5 किया था तब 7 आना था, अब यहाँ पर हमें सेम डिजिट दी हुई है सेम नंबर दिया हुआ है बस उनका प्लेस बदल गया है, तो यहाँ पर भी हमारा क्या हुआ है प्लस हुआ है। नेक्स्ट है 2 और 2 को प्लस करें या माइनस करें जिससे 4 आएगा, 4 हमारी बड़ी डिजिट है इसलिए यहाँ पर हमारा प्लस का साइन आएगा। नेक्स्ट है 5 और 3 को ऐड करेंगे तभी हमारा 8 आएगा, 5 प्लस 3 तो हमारा आंसर क्या हुआ 8, तो यहाँ पर आप क्या कर देंगे प्लस का साइन कर देंगे। नेक्स्ट है 4 और 5 को ऐड करते हैं तो तब हमारा 9 आंसर होगा, 9 निकलता है जब
5 को ऐड करेंगे तो आंसर हमारा 9 होगा। तो आप यहाँ पर प्लस साइन कर देंगे। नेक्स्ट है 7 और 1, तो यहाँ पर हमें माइनस करना है क्योंकि 6 7 से 1 डिजिट कम होता है, तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा। मीन्स जब 7 से माइनस 1 करेंगे तो आंसर हमारा 6 होगा। 5 माइनस 2, जब हम 5 से 2 माइनस कर देते हैं तो आंसर हमारा 3 होता है, तो यहाँ पर हम साइन अप कर देंगे माइनस। नेक्स्ट है 2 और 7 दिया हुआ है, फर्स्ट डिजिट हमारी स्मॉल है तो उसमें से हम माइनस तो कर ही नहीं सकते हैं, और 7 दिया हुआ है तो ये हमारी बड़ी डिजिट है तो 2 से 7 को माइनस नहीं किया जा सकता, और हमारा जो 9 है वो भी बड़ी है इसलिए हम यहाँ पर प्लस करेंगे और 2 और 7 हमारा क्या होता है 9 आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 6 और 3 को प्लस करेंगे तो हमारा आंसर क्या होगा 9 होगा। नेक्स्ट है 8 और 3, 8 से माइनस करेंगे हम 3 को तो हमारा आंसर 5 होगा, यहाँ पर हमें माइनस कर देना है। नेक्स्ट है 5 और 0 को हम प्लस करेंगे तो हमारा 5 आ जाएगा, और अगर 5 प्लस 5 में से 0 माइनस भी कर देते हैं तब भी हमारा आंसर क्या आ जाएगा 5 ही आएगा। तो आप यहाँ पर दोनों ही साइन का यूज़ कर सकते हैं, प्लस और माइनस, आपको जो अच्छा लगे। नेक्स्ट है 7 और 1 को हम ऐड करें तो हमारा 8 आ जाएगा, या फिर माइनस करें तो यहाँ पर 7 और 1 को ऐड करते हैं, 1 को ऐड करेंगे तो हमारा आंसर 8 होगा, तो यहाँ पर हम प्लस कर देंगे, फिर ये हमारा रह गया 9 प्लस 9 माइनस 5 इक्वल टू 4, तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा क्योंकि 9 से हम जब 5 माइनस करेंगे तभी हमारा 4 आंसर होगा। ये आपको सॉल्यूशन दे रखे हैं, हमें साइन अप करना था, आप अच्छे से नोट कर लेंगे ये सभी क्वेश्चंस। ओके स्टूडेंट्स, अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, आगे की एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे। ये हमारी 39 पेज और 38 पेज का कंप्लीट हो गया है, आप सभी को अच्छे से नोट करना है और आई होप सभी को समझ में आ रहा होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, अच्छे से करें सभी लोग, नोटबुक बनाएं अपनी मैथ्स की।